हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे थैनोस के एक और ब्रांड न्यू अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का अपडेट है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो सभी जानते हैं कि थैनोस की जो जर्नी स्टार्ट हुई साल 2012 से दी एवेंजर मूवी से, और इसकी जो एंडिंग हुई वो एवेंजर्स एंड गेम में हुई साल 2019 में। और देन जर्नी के टाइम में हमें थैनोस के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, बस इन्फिनिटी वॉर में मिड टाइटन प्लैनेट के बारे में बताया गया कि उसके साथ क्या हुआ, जो कि थैनोस ने खुद रिवील्ड करा। पर आपके लिए गुड न्यूज है कि मार्वल स्टूडियो की जो अपकमिंग मूवी आ रही थी इंटरनल्स, और जो थैनोस के ऑफिशियली क्रिएटर हैं जिम, उन्होंने कहा है कि इस अपकमिंग मूवी में आपको थैनोस दोबारा देखने को मिलेगा। वो ऐसा होप कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी इच्छा जताई है। पर आपको बता दूं कि कोई भी क्रिएटर ऐसे इंटरव्यू नहीं दे सकता, यानी कि हमें दी इंटरनल्स अपकमिंग मूवी में थैनोस दोबारा से देखने को मिलेगा, पर यंग वर्जन में। जहां तक एक और अपडेट जो आया है कि आपको थैनोस यंग वर्जन में देखने को मिलेगा इंटरनल्स मूवी में। अब आगे इन फ्यूचर क्या होगा, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।